तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। और म्यूजिक सिस्टम की वीडियो जल्दी ही मैं डालने वाला हूँ, उससे पहले जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है। अच्छा यार, कई लोगों ने लग रहा है माइलेज में ना, जब से वरना वाली से रेस लग रही है, मेरे पीछे से एक वरना वाला है दिखाऊंगा आपको, तो रेस लग रही है। रेस के बाद भी जो माइलेज है ना भाई, अनडाउटेडली काफी ज्यादा सही आ रही है। देखो 223 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है और लगभग 240 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ तो मैं रेंज बता रहा था, उस टाइम ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते हुए जो मैं सही नहीं मुझे पता है, ठीक है। खैर ये देखो रेंज 226 किलोमीटर, यार ये फोकस से भरा रेंज 226 किलोमीटर, 240 किलोमीटर मतलब 500 किलोमीटर के आसपास अब सिटी में निकालने लग रही है, तो ये चीज तो ठीक है यार मतलब। और हाँ यार ये गाड़ी दिस इज फॉर सेल, वापस मैं बता रहा हूँ दिस इज फॉर सेल, माय जिमनी 5 डोर इज फॉर सेल, बाहर से दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं जो आप लोगों से छुपी हुई हो, ठीक है। तो एक बार फिर भी दिखा देते हैं व्हाट डज दिस। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अपना ये मतलब एसआरटीएस अलॉय व्हील लगे हुए हैं। आस्किंग प्राइस मेरा 17.5 लाख था, अब नेगोशिएबल मैंने बोला था लास्ट प्राइस जो है 16.5 लाख के आसपास है, नॉन नेगोशिएबल क्योंकि एक रुपये लेस नहीं करूँगा, सिर्फ अलॉय व्हील्स के रुपये ऐड कर रहा हूँ मैं। गाड़ी में 4 लाख रुपये की एसेसरीज लगी हैं, 15 लाख रुपये की 15-30 की जो है इसकी मेरी बिलिंग थी, तो 19 लाख रुपये गाड़ी आई एम गिविंग फॉर 16.5 लाख, ठीक है। तो आप लोग जो है ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, वट एवर आप लोगों को समझ में आए। और अब एक आज प्रोडक्ट आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बताता हूँ लगेगा कहाँ, बेसिकली वो लगेगा अपने इधर पीछे, पीछे कहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा औसम एसेसरी है, मज़ा आ जाएगा सच्ची में। किकी जी का धन्यवाद, उन्होंने भेजा है, नीचे नंबर वगैरह सब चीज़ें डाल दूंगा, आप लोग भी जाके जो है परचेज कर सकते हो। एंड एज ऑफ नाउ आई एम वेटिंग फॉर गौरव राही करके बंदा, एक आप जानते होगे, आई गेस आप लोग जानते हो उसको, ठीक है। राही भाई का वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो राही भाई का वेट करते करते अच्छा ऐसे आपको दिखा दूँ ऐसे प्रोडक्ट क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट जो अपने पास है ये रहा। अब कई लोग मेरे से पूछेंगे कि हर्ष भाई तुम इस गाड़ी को क्यों बेच रहे हो, कल मेरे एक भाई ने बोला भी था कि अनफॉलो कर देते हैं आपको, आप इस गाड़ी को बेच रहे हो। भाई मैं रीजन बताऊं क्या है, देखो सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली बात तो मैंने कंटेंट खेल ली थी ये गाड़ी, अब दूसरी चीज ये है कि जो अपनी ब्रेजा थे उस पर 80-80, 90-90, हाँ इंस्टाग्राम पे अभी भी सही रिस्पॉन्स है, बट यूट्यूब पे भाई लोग पता नहीं क्या उनको जिमनी का समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा कंटेंट वंटेंट। जी वैगन गेट भी जो है सुन लगूंगा, वैसे गाड़ी नो डाउट काफी ज्यादा सही है, मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है इस गाड़ी से, बट फिर भी चूबी है, ठीक है। तो अभी एक बार राही का वेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट है दिख रहा होगा आपको मॉन्स्टर करके है, और दिखाएंगे अनबॉक्स करेंगे, ये काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, ये थार में भी आता है बट थार से भी ज्यादा अच्छा जो मुझे पर्सनली लगा। देखो यही है वो गौरव राही करके बंदा दिख रहा है आपको, दिस इज गौरव राही, एंड अभी गेट भी खोलेंगे मेरे लिए। क्या सुबह सुबह मांगने आ जाते हो, और कोई काम नहीं है, कभी जूते सही करवा लो, कभी कान साफ करवा लो, कभी भाई यही तो लगवाने आए हो भाई, क्या होगा बताओ, व्हाट इज दिस, बोलना नहीं है, दिख रहा है पढ़ो ना। अच्छा पीछे का कुछ है क्या, कवर टाइप का लग रहा है, इसमें इतने छोटे कवर आ जाएगा, पहाड़ बने हुए डोर ये है, इधर का नहीं है भाई ये, तो पीछे का है। हाँ। तो पीछे की है क्या, हाँ, मजा आएगा ना, हाँ। लगवा के आते हैं चलो, इधर नहीं है जो यार तुम बताते कि मैंने तो खाना बनवा रखा है मेरे लिए भी, तो चलो यार ब्लैक कलर का ये है, लगवाने चलते हैं एक बार फटाफट, और भी बहुत सारे काम जो है गाड़ी में करवा रखे हैं मैंने, वो भी ओवर द टाइम आपको दिखाऊंगा, पर पहले ये लगवाएंगे। किकी जी का अगेन धन्यवाद, बिग शाउट आउट टू किकी जी, और वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं, और उनका इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा आप लोग जा कर लीजिएगा। बेसिकली पहले उनने अपनी गाड़ी में लगवाया था, फिर उनने मेरे को डेमो पीस दिया, तो मैंने जो है अपनी गाड़ी में लगवाने का प्लान बनाया, ठीक है। ये रहा, चलते एक बार, ये लो भाई। कहाँ से आ रहा हूँ मैं यार, इधर ही गया था काम से बस, थोड़ा सा आसपास ही, एक बंदा है पेमेंट नहीं कर रहा, उसे पेमेंट लेनी है। और भाई ये चीज़ है कि देखो यार भाई, राय भाई मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि मैं इस गाड़ी को बेच क्यों रहा हूँ, आप बताओ। मैं तो खैर अभी आप मेरे से मिले, मैंने इनसे बता दिया, वैसे आप बताओ। 7 सीटर लेनी है बड़ी, 7 सीटर भी लेनी है, और जिस हिसाब से सोचा था कि इस गाड़ी में वो आई नहीं है ना, तो ये 19 लाख रुपये खर्च करने के बाद, और कई लोग बोलते हो रुपये पूरे हो गए गाड़ी के, अरे यार बोलना आसान है। वेल गाइस आज हमारे पास आया है, यहाँ से मैंने आपको देखो पहले तो दिखाई दिया था ये चीज़ जो है ना, ये दिस इज द थिंग, और इसको एक बार खोल के दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगी क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। एंड इसको ओपन करते हैं यहाँ से एक बार, ये दिख रही होगी आपको, और ना ये आपने देखा होगा थार में इस साइड भी लग जाता है, उस साइड भी लग जाता है, बट जिमनी में जो है केवल एक ही जगह है पीछे लगाने की, और वो मैं दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ पीछे कहाँ पर लगेगा। चलो
ये देखो इधर लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा ये, और इसके बाद सोचो कितनी ज़बरदस्त लगने वाली है ना, मज़ा आएगा। तो एक बार लगवाते हैं फिर दिखाते हैं। मेरे हिसाब से ना पहले तो ये खुलेंगे, देखो इसके ये खुलने के बाद ऐसा नट बोल्ट, हाँ और ये खुलता बंद भी हो जाता है उस्ताद जी, लगाना है यहाँ पे, ये रहा इधर, इससे यहाँ पे लगेगा ये, ये है इसके सोते पानी। तो भैया देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया है अपना, निकल चुका है, लॉक होता है इसमें लॉकिंग सिस्टम, यहाँ से ये टक टक करके निकल जाएगा और इस पे जो है फिर अपने डोर के इंच लगेंगे, ये लॉक होता है, दोनों खुल गए ऊपर नीचे वाले ये रहे। इसी के साथ साथ आपकी नट बोल्ट का सिस्टम है ना, ये लगेगा पहले और इसके ऊपर डोर हिंज लगेंगे अपने। अब ये भाई जी एक बार दिमाग लगाएंगे कैसे कुछ होता है, कैसे कुछ होता है, और ये अभी यूजलेस है अपने, ये किसी काम के नहीं है, तो इनको पीछे रख देंगे। और ये इसके नट बोल्ट है, वो तो हमारे रखना पड़ेगा आपको अलग से ना, क्यों वो लगेंगे थोड़ी नहीं लगेंगे, वो तो काम के नहीं है, हाँ क्यों। तो यहाँ से नट बोल्ट निकल गए अपने, और इसके ना कस्टम आते हैं अलग से आते हैं, चाहे वो हैवी ड्यूटी हो या जो भी हो, वो हैवी ड्यूटी देखने में लग नहीं है, नहीं हैवी ड्यूटी है भाई। तो भाई ये ना अब अपने पीछे लग जाएगा डोर हिंज स्टेप यहाँ पे, और पे जो स्टॉक निकाला था वही वापस लग गया। अच्छा, और जो उसके साथ नट दिए हैं वो ऊपर लगेंगे, यहाँ लगेंगे, हमें कंफ्यूजन ये था कि उधर लगेंगे। और ठीक है, वो एलन की वाले मोस्टली इसलिए होते हैं ताकि कोई निकाल ना पाए, इजीली ना निकाल पाए, हर किसी के पास एलन की नहीं होती भाई। अब चोरों के पास दिमाग हो तो भाई लेते घूमे, अगर एलन की वाली चीज हुई तो थार का भी काम यहीं पे कराते, मतलब हमारे घर के पास सबसे पास यही वर्कशॉप है जहाँ पे अपना। अब हो गया पूरा, भैया ऐसे करते ना इस पर चढ़ना होता है, हाँ ठीक है। अब ये भैया लग गया यहाँ से, ये देखो अपना अभी तो फाइनल एक बार टाइट होगा, टाइट नहीं हुआ यहाँ से नीचे से, बट ये है कि थोड़ी सी ना बोल्ड लगती है गाड़ी से बात है ना, उल्टा तो नहीं लगा, ऐसे ही होता है ना, कहीं उल्टा लगा दियो है, नहीं ऐसे ही होते हैं पैर भाई, हाँ तो अरे ऐसे ही तो खुलेगा, खुलेगा तो ऐसे ही, ठीक है भैया वैसे एक बार फाइनल लुक दिखाऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा यार, मैंने इस पर चढ़ के तो दिखाई नहीं, एक मिनट देख सकते हो भाई, इस पर मैं चढ़ भी गया हूँ, और बेसिकली ये ना साइड स्टेप होता है, आप लोगों को देखा होगा थार में आता है वो लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं डोर हिंजेस लग जाते हैं, जो जिमनी में जो है केवल एक पीछे पीछे वाला ही जगह है जहाँ पे ये लग सकती है। मेनली देखो चढ़ने वढ़ने के लिए अगर आप इसको यूज़ करो तो सही है, आपको अगर इसको यूज़ करना है ना तो ये मेनली लुक्स के लिए होते हैं। देखो यहाँ पे देखो एसिटेंस बंद हो जाएगा, और प्रॉपर जो फिटिंग है इसकी आती है यहाँ से। अब ये देखो एलन की वाले नट्स जो है बेसिकली लगाए जाते हैं ताकि कोई चोर ना पाए, है ना, चोर ना पाए उसलिए होता है, यहाँ से दिख रहा होगा, इधर से भी मैं उतार के दिखाऊँ, ये देख सकते हो प्रॉपरली जो है एकदम वर्क कर रहे हैं यहाँ से। और हम इसका यूज क्या है, गाड़ी साफ करने के लिए चढ़ सकते हैं ऊपर, हाँ, कुछ मेन बताऊँ मैं क्या यूज है, इधर से अगर आप देखो ना यहाँ से इधर से देखो तो गाड़ी के जो लुक्स है ना वो एनहेंस हो जाएंगे इससे, ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो काफ़ी बोल्ड टाइप से लगी, ये दिख रहा होगा ना आपको, इसमें रेड कलर का भी आप ले सकते हो, मैट फिनिश भी आती है, ब्लैक जो है हम लोगों ने पियानो यूज़ करी है यहाँ पे, वो अकॉर्डिंगली आप जो अपने वो चूज कर सकते हो, आपको जैसी पसंद आए। बाकी ये ठीक लग रही है ना देखने में, मतलब बोल्ड टाइप से लग रहा है, हाँ अच्छी भी लग रही है। मतलब यार देखो मैंने हमेशा से कहा कि मैं ओवर काम कोई भी नहीं कराता, मैंने 120 जिमनियाँ देखी हैं जिसमें भाई ओवर काम करा रखा है मैंने, बहुत ही वाली भी देखी आपने, इसमें ऐसे करके बहुत सारे वो सीढ़ियां टाइप, हाँ वो पूरी लैडर ही होती है, हाँ पूरे मुझे खास नहीं लगी, हाँ मतलब अगर वो भी लगाएंगे आप लोग बोलोगे तो वो भी लगवा लेंगे हम लोग, लेकिन वो खास नहीं, एक बार कमेंट करके बताना आप लोग, हाँ लैडर वाली की अगर मेरे को कोई फोटो मिली ऑनलाइन जिसमें वो डला हुआ है तो मैं वो भी डाल दूंगा, जहाँ से आपको दिख जाएगा ये कैसी है, भरा हुआ सा लगता है, हाँ मतलब जिमनी यार देखो थोड़ी सी ना वाइड कम है तो उस हिसाब से इस मॉडिफिकेशन कराओ, हाँ तो अभी देखो बंद करके रखेंगे इसको ऐसे हम लोग, काफ़ी सही लग रहा है। और एक चीज़ और मैं इसमें करवाने वाला हूँ, ये है कि इसका ना जो जिमनी है ये हटवाऊंगा, ऑल ग्रिप हटवाऊंगा, हाँ डिबैजिंग करनी है, डी क्रोम डी बैज एकदम पूरी ब्लैक में रखेंगे, बीच फॉर सेल है वापस बता रहा हूँ गाड़ी, आप लोग अगर किसी को इंटरेस्ट हो इस गाड़ी को लेने में ले सकते हो, वर्थ 19 लाख रुपए है गाड़ी की, मैं बेच रहा हूँ इसको 16.5 समथिंग के, नॉन नेगोशिएबल है ये, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने गाड़ी की कॉस्ट पे जो है अलॉय व्हील्स के 1.5 लाख रुपए के अलॉय लगे थे, अलॉय व्हील्स के रुपए ऐड करे और किसी चीज़ के नहीं, ठीक है। तो भाई ये देखो यहाँ से लिखी कैसी, मुझे लिख के बताना जरूर, छोटा सा एक वो था कि किसी का धन्यवाद उनका डाल दूंगा, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, मज़ा आ गया। छोटा सा काम और करा रहा था मैं इसकी ना, अपने ये जो बम्पर है वो कटे थे, रीज़न बींग की इसकी थोड़ी सी सेटिंग हुई थी उस हिसाब से,
तो अब जो है यहाँ पे टाई बेल्ट लगवा दिया मैंने, दिख नहीं रही वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वही हुआ है कि अपने जो फॉग लैंप की चीजें वीजें थी नीचे पड़ रही थी चक्कर। मतलब सब सही है, बस काम थोड़ा महंगा है ना, महंगा इतनी छोटी सी चीज के 500 रुपए देना मेरे तो समझ में नहीं आती। और करोल बाग में यही काम जो है वो लोग ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही कर देते हैं, मतलब हर एक का तो नहीं करते, हमारा कर देते हैं रिगार्ड में, बट फिर वही चीज है एक्सपेंसिव है, मैं तो हमेशा बोलता हूं। अब पर यार मैं वो सोचता हूं कि जब अब करोल बाग जाऊंगा 500-600 का तेल लगेगा है, वो तो खैर है ही, ऊपर से पुलिस वालों का भी दिक्कत है कि भाई कभी चलान ना भर दें या कुछ कर दे, तो ठीक है भाई हर एक को कमाने का मौका देना चाहिए। गाड़ी में जो है पीछे हमने लगवा लिया डोर हिंज स्टेप, दिस वाज अ वेरी सिंपल मॉडिफिकेशन, येट बहुत अच्छे लग रहे हैं लुक्स गाड़ी के, सही लग रही है ना, प्यारी सी लग रही है एकदम। और अब तो नगला काम होगा, और डिबैजिंग करना होगा और ये होगा, बाकी वापस बता रहा हूँ भाई गाड़ी इज फॉर सेल, लेनी हो तो ले सकते हो, चीख चीख के बोल रहा हूँ, छप्पर फाड़ के ले जाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे को 7-सीटर में जाना था और 2 गाड़ियाँ 4x4 घर पे मेरे समझ के बाहर, तो वो चीज़ है कि थार देखो घर वालों की पसंद है, मेरे से पूछा जाता है कि कौन सी रखना चाहता है, तो मैं शायद जिमनी भी रख लेता, जी वैगन टाइप है, मतलब 7-सीटर तो लानी है कोई से निकाले, बट थार घर वालों को थार पसंद नहीं होती तो पहले थार भेजते ना, हाँ थार निकाल देता मैं, क्योंकि नहीं है गाड़ी यार, एक मिनट ये गाड़ी नहीं है, हाँ तो पर फिर वो है कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई तू जिमनी, और फिर यार पता क्या देखो थार में ना मैंने मॉडिफिकेशन बहुत कम कराई है, इसमें टायर टूयर बाहर निकलवा दिए, सब कुछ करवा दिया, एग्जॉस्ट वगैरह, तो पापा यार मेरे लेक्चरर हैं, अब एक चीज समझो कि गुरु जी अगर गाड़ी ऐसी लेके जाएंगे, गैंगस्टर वाली गाड़ी लेके जाएंगे, माफिया गैंगस्टर लेके जाएंगे तो कैसा लगेगा ना, तो ये हर एक रीजन, कई रीजन होते हैं यार, मैंने आपको सारे बता दिए, बाकी काम इस पे होता रहेगा ओवर द टाइम मॉडिफिकेशन। और एक चीज और बोल रहा हूँ, जो भी मेरा भाई इस गाड़ी को खरीदेगा ना उसकी गाड़ी में भी मैं आगे तक काम करता रहूंगा, अभी तरुण भैया को मैंने गाड़ी दी थी उसमें भी मैं काम कराता रहा, जैसे ग्रिल इंस्टॉल करवा दी थी, ये कर दी थी, तो वो चीज है कि ये जो भी खरीदेगा उसको हम मॉड्स देते हैं, हाँ मॉड्स देते रहेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब आप पैसे मत देना हमें कुछ भी, बस आपको काम मिल जाएंगे फ्री में, जो भी होंगे मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा पैसे, ठीक है जो भी होगा, क्योंकि कंटेंट के लिए ली थी, तो ये है कि हाँ मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी डेट पास में आ गई, तो अमाउंट भाई अंबानी तो है नहीं हम भी ये तो हम अंबानी है, हाँ अंबानी है हम, ऐसा तो है नहीं कि इतने पैसे हैं कि भाई हाँ दो दो गाड़ी, ये गाड़ी बिके ना और वो ले लें, तो ऐसी बात है, ठीक है। खैर जो भी है अभी अपनी गाड़ी बन चुकी है, बढ़िया, अब घर चलते हैं राही भाई को छोड़ के, आज के ब्लॉग में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ मुझे पसंद आयो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिल जाएगा, मिलते रहेंगे, धन्यवाद, बाय बोल राही भाई, राही भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाकर।